हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जाम पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हम है एग्जाम पर कलम से क्रांति। तो साथियों सभी लोग पेन और कॉपी उठा लीजिए। 40 दिन के आए महायुद्ध सिकंदर शुरू हो रहा है और कहते हैं कि सिकंदर जैसे यूनान से चलकर भारत बिना रुके बिना थके बिना लौटे आ गया था, वैसे ही आपको ये 40 दिन बिना थके हौसला बनाकर जुनून के साथ पढ़ते रहना होगा। तो तैयार हो आप सभी, यस या नो कर दीजिए, पेन और कॉपी हाथ में ले लीजिए, एक एक चीज को वन वर्ड टू वर्ड में उतारिए। एक एक चीज को मैं फिर से कह रहा हूं, वन वर्ड टू वर्ड में उतारिए, या तो वन वर्ड में लिखिए या टू वर्ड में लिखिए, लेकिन हर दिन का आपके पास होना चाहिए। जैसे 22 नवंबर तो आपके पास होना चाहिए, 23 नवंबर तो आपके पास होना चाहिए। एक से दो पेज आपके भरेंगे, लेकिन जो आपकी याद करने की क्षमता है वो साथी बहुत ही जबरदस्त हो जाएगी। पहला है पारसे किसकी काई है। याद रखिएगा, जो आसमानी दूरी होती है, जो खगोलीय दूरी होती है, उनके लिए तीन इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। एक होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ध्यान दीजिएगा, एक होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सूर्य और धरती के बीच में एवरेज दूरी, सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है 1.49 × 10^11 मीटर, कई बार पूछा जाता है। दूसरा होता है साथी प्रकाश वर्ष। अगर आप प्रकाश की गति से एक वर्ष यात्रा करें तो जितनी दूरी आप तय करेंगे उसे एक प्रकाश वर्ष बोला जाता है, 10^15 मीटर, यह प्रकाश वर्ष। और यदि आप उससे भी लंबी दूरी तय करना चाहें तो पारसेक, जो कि साथी 3.08 × 10^16 मीटर। याद रखिएगा, पारसेक सबसे बड़ी है, एक पारसेक लगभग 3.26 लाइट ईयर अथवा प्रकाश वर्ष होता है। तो यह किसकी इकाई है? पारसेक खगोलीय दूरी की इकाई है। पारसेक किसकी इकाई है? यह खगोलीय दूरी की इकाई है। चलिए भैया, प्रश्न संख्या दो, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज किसने की थी? यदि हम बात करें एटॉमिक थ्योरी किसने दी? डाल्टन ने। एटॉमिक थ्योरी की दुनिया के जितने भी चीजें हैं वो सभी सबसे छोटे अविभाजित कणों से मिलकर बनी है, स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। तो ये किसने दी? डाल्टन ने दी। न्यूट्रॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने की, न्यूट्रॉन की खोज। न्यूक्लियस की खोज किसने की? जो एटम का न्यूक्लियस होता है, परमाणु नाभिक की खोज किसने की? तो ये किसने की भाई? रदरफोर्ड का गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट याद हो तो आपको, गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने, इलेक्ट्रॉन की जेजे थॉमसन। और याद रखिएगा, प्रोटॉन को एच पॉजिटिव आयन के रूप में, एच पॉजिटिव आयन के रूप में ये गोल्डस्टीन ने देखा था। किसने? गोल्डस्टीन ने। लेकिन इसका नामकरण और इसको प्रत्येक न्यूक्लियाई में, नामकरण और इसका प्रत्येक एटम के न्यूक्लियस में पाया जाता है, प्रत्येक न्यूक्लियस में पाया जाता है, यह बात किसने बताई? एक्चुअल में जिसे प्रोटॉन कहा गया वो रदरफोर्ड ने बताई। और ये साथी नासा हो सर्द हो रदरफोर्ड ही कहते हैं, और ये जब पूछा गया एसएससी ने उसने भी रदरफोर्ड माना। तो सेकंड का उत्तर ए आपका बिल्कुल सही है। प्रो एटम से संबंधित चीजें मैंने यहां पे लिख दी, यहां से जरूर पूछता है। एटॉमिक थ्योरी डाल्टन, न्यूट्रॉन चैडविक, न्यूक्लियस रदरफोर्ड, गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट। एच पॉजिटिव आयन, हाइड्रोजन के आयन के रूप में इसकी खोज गोल्डस्टीन के द्वारा, परंतु इसका नामकरण और जो प्रोटॉन होते हैं, जो हाइड्रोजन आयन होता है, जो प्रोटॉन होते हैं, ये प्रत्येक नाभिक ईच एंड एवरी न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, ये बात भी रदरफोर्ड ने बताई। तो दूसरे का उत्तर ए आपका बिल्कुल सही है। भारी जल का रासायनिक सूत्र बताइए। याद रखिएगा, हाइड्रोजन की तीन आइसोटोप होती हैं। प्लीज ये कुछ क्वेश्चन कल के ही शुरुआत में रिपीट कर रहा हूं, जिससे कि आज के लिए बेस तैयार हो सके और आप उतार सके। हाइड्रोजन के आइसोटोप या सम स्थानिक, हाइड्रोजन के आइसोटोप या सम स्थानिक। सम स्थानिक क्या होते हैं साथी?
एक ही जैसे, एक ही एटम, लेकिन सेम एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या क्या होती है, एक होती है, परंतु डिफरेंट मास नंबर, उनमें जो न्यूट्रॉन होते हैं उनकी संख्या अलग अलग होती है, जिसके कारण उनका द्रव्यमान संख्या भिन्न हो जाती है, जैसे 1H1, जैसे 1H2, जैसे 1H3। इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं है, इसमें एक न्यूट्रॉन, इसमें दो न्यूट्रॉन। जिस प्रकार जो हमारा सादा जल होता है, साधारण जल H2O, इसी प्रकार ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसको हैवी वाटर अथवा भारी जल कहते हैं। यह साथी मंदक के रूप में जो परमाणु रिएक्टर होते हैं, जहां परमाणु ऊर्जा से बिजली बनाई जाती है, उनमें मॉडरेटर मंदक के रूप में कार्य करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, D2O इसका फॉर्मूला है, D2O इसका फॉर्मूला है। इनका यदि आपसे वजन पूछ ले तो इसका 18U होता है, 16 और 2। यदि इसका वजन पूछ ले तो 16 और 2 दूनी 4, इसका 20U वजन होता है, कितना होता है 20U। तीसरे का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। नेप्थिलीन बॉल्स जो होती है, जिनको मौथ बॉल्स भी कहा जाता है, जिनको मौथ बॉल्स भी कहा जाता है, नेप्थिलीन बॉल्स का स्रोत आपसे पूछा है, नेप्थिलीन बॉल्स का स्रोत आपसे पूछा है, तो याद रखिएगा कोल तार जो होता है, कोल तार, इससे नेप्थिलीन बॉल्स बनती है, इससे साथी मौथ बॉल्स बनती है। आप सभी लोग पेन लेकर छोटा छोटा उतारना जरूर। कहते हैं कि हौसला कर ही लिया है ऊंची उड़ान का, तो फिजूल है देखना कदा समान का। तो नेप्थिलीन का मुख्य स्रोत मौथ बॉल्स होती है। 40 दिन डेली उतारो, एक एक वर्ड लिखो, केवल इतना लिखो, नेप्थिलीन खोल टार, अंतर देखना अपने आप में, लेकिन लिखना जरूर सामने मोबाइल रखकर, हाथ से पेन से कॉपी पर लिखना जरूर एक वर्ड। चौथे का उत्तर ए आपका बिल्कुल सही है। इंटरनेट में डब्ल्यू का पूरा रूप, कई सारी चीजें आ जाती हैं। कभी आपसे साथी HTTP की फुल फॉर्म पूछ लेगा, कभी आपसे HTML की फुल फॉर्म पूछ लेगा, हाइपर टेक्स्ट मेलिंग लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मेलिंग लैंग्वेज, ये मार्कअप लैंग्वेज। तो याद रखिएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTML हो जाता हाइपर टेक्स्ट। देखिए जब जब आप बार बार इसको पढ़ते नहीं है तो आप भी भूल जाते हैं। मार्कअप लैंग्वेज, हमने मेलिंग बता रहा था, कहने का अर्थ कि अगर आप बार बार रिवीजन नहीं करेंगे तो एक कहीं छोटे से वर्ड में आप पटक जाएंगे। टिम बर्नर्स ली द्वारा खोज WWW वर्ल्ड वाइड वेब टिम बर्नर्स ली के द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब। इससे संबंधित दो फॉर्म और HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTML हाइपर टेक्स्ट मेलिंग लैंग्वेज। पांचवे का उत्तर भी, थॉमस कप का संबंध किससे है, थॉमस कप ये पुरुष अर्थात मेल खिलाड़ी इसमें खेलते हैं, टीम टूर्नामेंट है, इसमें सिंगल कोई विजेता नहीं होता, टीम टूर्नामेंट है, टीम विजेता होती है। 2022 का जो टूर्नामेंट है इसका होस्ट देश थाईलैंड रहा, थाईलैंड के बैंकॉक में इसका फाइनल आयोजन हुआ। मैंने कहा पुरुष और टीमें खेलती हैं, विजेता जो रहा इस बार का, विजेता पहली बार फर्स्ट टाइम इंडिया अपना भारत इसका विजेता रहा। उप विजेता फाइनल में किसे हराया, तो इंडोनेशिया की टीम को हराया, फाइनल में इंडोनेशिया की टीम को हराकर उप विजेता भारत
ये बैडमिंटन का टूर्नामेंट है, थॉमस कप ये बैडमिंटन का टूर्नामेंट है। याद रखिएगा, भारत ने इंडोनेशिया की टीम को हराकर 3-0 से ये हमने पुरुष बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता है, जो कि एक टीम टूर्नामेंट है। अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए, थॉमस कप बैंकॉक में आयोजन हुआ, उप विजेता इंडोनेशिया, विजेता भारत पहली बार। श्री पेरम्बदूर किसका जन्म स्थान है? इन्हीं का साथी स्टेचू ऑफ इक्वलिटी, इन्हीं का स्टेचू ऑफ इक्वलिटी, स्टेचू ऑफ इक्वलिटी, स्टेचू ऑफ इक्वलिटी, ये आपका देखोगे तो हैदराबाद में स्थित है। कहां पर स्थित है? हैदराबाद। जन्म इनका श्री पेरम्बदूर तमिलनाडु में हुआ था। अपने प्राचीन समय में भारत में बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग हुए, उन्होंने अलग प्रकार के दर्शन दिए, तो वो एक बार लिख लीजिए, दर्शन भारतीय संत एवं उनके दर्शन। जैसे आदि शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद का दर्शन दिया। किसका? अद्वैतवाद। लिख लीजिएगा, पेपर में पूछता है। रामानुजाचार्य जी, संत रामानुजाचार्य, इन्होंने साथी विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत दिया, विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। इन्होंने किसका सिद्धांत दिया? इन्होंने साथी विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। किसका सिद्धांत दिया? इन्होंने साथी वेदांत, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया। ऐसे अलग अलग लोग हैं जिनके बारे में हम लोग सही से पढ़ रहे हैं। उसी प्रकार आप देखोगे मध्वाचार्य, मध्वाचार्य, मध्वाचार्य ने कहा केवल द्वैतवाद। एक आए निंबार्काचार्य जी, निंबार्काचार्य जी ने कहा, निंबार्काचार्य, इन्होंने कहा द्वेता द्वैतवाद, द्वेता द्वैतवाद। एक आए सती वल्लभाचार्य, संत वल्लभाचार्य, सूरदास जी के गुरु, उन्होंने कहा शुद्धा द्वैतवाद, शुद्धा द्वैतवाद। तो आपसे यहां पर सिंपल पूछ लेगा, द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया? जी मध्वाचार्य ने। विशिष्टाद्वैतवाद का किसने दिया? रामानुजाचार्य ने। अद्वैतवाद का शंकराचार्य, शुद्धाद्वैतवाद का वल्लभाचार्य, द्वैताद्वैतवाद का निंबार्काचार्य। तो श्री पेरम्बदूर जो है वो विशिष्टाद्वैतवाद के जनक, स्टेचू ऑफ इक्वलिटी, रामानुजाचार्य, स्टेचू ऑफ यूनिटी, स्टेचू ऑफ इक्वलिटी, रामानुजाचार्य जी का जन्म स्थान है। श्री पेरम्बदूर तमिलनाडु में स्थित है, रामानुजाचार्य जी का जन्म स्थान, लेकिन इनका स्टेचू जो है वो हैदराबाद में है। ये बहुत अच्छे से एक चीज को, यहां जो मैं सिद्धांत बता रहा हूं, इनको अपनी कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा। सातवें का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये किसने पुस्तक लिखी है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये पुस्तक किसने लिखी है? ये जो जिस प्रकार से प्रजातियों का इवोल्यूशन हुआ है उसके बारे में इसमें बहुत अच्छी जानकारी दी गई है। देखिए, ग्रेगर जॉन मेंडल की बात करें तो मेंडल वो व्यक्ति थे जिन्होंने मटर के दाने को लेकर, मटर के दाने को लेकर, मटर के दाने को लेकर जो आनुवांशिकी होती है, जो इनहेरिटेंस होती है, आनुवांशिकी या जो इनहेरिटेंस होती है, इसके ऊपर बहुत अच्छी रिसर्च की है ग्रेगर जॉन मेंडल ने। जबकि चार्ल्स डार्विन ने, जिन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन भी दी है, जिन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन भी दी है, जिन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, तो याद रखिएगा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है। आठ का उत्तर सी, द लाइफ डिवाइन, इस पुस्तक के लेखक बताइए, द लाइफ डिवाइन, इस पुस्तक के लेखक। कई सारी इस प्रकार की पुस्तक होती है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया किसकी पुस्तक है बताइए? इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड, ये किसकी पुस्तक है? इंडिया डिवाइडेड किसकी पुस्तक है? इसी प्रकार से एक पुस्तक आ जाती है आपकी, इंडिया डिवाइडेड, अनहैप्पी इंडिया,
महात्मा गांधी जी की एक फेमस पुस्तक है हिंद स्वराज, महात्मा गांधी जी की एक फेमस पुस्तक है हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो याद रखिएगा, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक श्री अरविंदो, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक श्री अरविंदो, अरविंद घोष इनका नाम था, अलीपुर बम षड्यंत्र में इनका नाम आया था, उसके बाद में इनकी वकालत सीआर दास जी के द्वारा की गई, इनको बरी कराया गया, उसके बाद में पुदुचेरी जाके बस गए, वहीं पर इन्होंने अपना ओरिविले आश्रम खोला। द लाइफ डिवाइन श्री अरविंद, अरविंदो की पुस्तक है। अनहैप्पी इंडिया ये लाला लाजपत राय जी की पुस्तक है, लाला लाजपत राय जी की पुस्तक है। इंडिया डिवाइडेड ये राजेंद्र प्रसाद जी की पुस्तक है, ये राजेंद्र प्रसाद जी की पुस्तक है। तो ये जो यहां पे एक्स्ट्रा पुस्तकें मैं लिख रहा हूं, इनको प्लीज आप लोग अपनी कॉपी में नोट जरूर कीजिएगा। भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला, आपको ये पूरा नहीं करना, पूरा नहीं लिखना चार ऑप्शन, और ये आप लिख लो केवल भारत रत्न, इतना लिख लो, प्रथम महिला लिख लो। इतना लिखने में कितना टाइम जाएगा जरा मुझे बताइए, इतना लिखने में आपको कितना टाइम जा रहा है? तो इससे क्या होगा, जो याद कर रहे हो इसका आपको ज्यादा देर आपके दिमाग में रुकेगा। बस मैं इतना आपसे कह के चल रहा हूं, भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला, देखिए मदर टेरेसा जी को 1980 में, इंदिरा गांधी जी को 1971 में, लता मंगेशकर जी को और बाद में। भारत रत्न देने की जो शुरुआत हुई है तो 1954 से शुरुआत हुई है, भारत रत्न देने की शुरुआत 1954 से हुई। पहले जो तीन व्यक्ति थे वो थे सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी जी, दूसरे थे एस राधाकृष्णन जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति, और तीसरे थे साथी सर सी वी रमन, सर सी वी रमन जी। ये पहले तीन व्यक्ति थे, वर्तमान में कुल 48 लोगों को, 48 लोगों को ये मिल चुके हैं, वर्तमान में कुल 48 लोगों को ये मिल चुके हैं, वर्तमान में ये कुल 48 लोगों को मिल चुके हैं। तो याद रखिएगा, मदर टेरेसा का 1979 था, 1979 में तो मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज मिला था, और नोबेल प्राइज के अगले आप कहोगे अगले दिन, मतलब अगले साल जब इन्हें नोबेल प्राइज मिला उसके अगले साल इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जहां तक मेरा मतलब मानना है, हो सकता है मैं गलत हो सकता हूं, तो ऐसे मामले में मैं थोड़ा गलत कम होता हूं, ठीक है भाई। 1980 में मिला था, 1979 में इनको नोबेल प्राइज मिला है, इंदिरा गांधी 1971। तो अच्छे से याद रखिएगा, भारत रत्न 1954, पहले तीन व्यक्ति थे सी राजगोपालाचारी, एस राधाकृष्णन, सी वी रमन। कोई बताएगा विदेशी, प्रथम विदेशी व्यक्ति, प्रथम विदेशी व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न मिला, जिनके पास विदेशी मूल की नागरिकता थी, जिनके पास दूसरे देश की नागरिकता थी, खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान 1987 में, जिनको सीमंत गांधी भी कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान जिनको सीमंत गांधी भी कहा जाता है 1987 में। तो दसवें का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है, इंदिरा गांधी जी को 1971 में, ये प्रथम महिला जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। फिर से मैं आप सभी को बता दूं, थ्योरी को जबरदस्त करने के लिए मिशन वर्दी 799 रुपए में, अब सती 12 घंटे से भी कम समय बचा है, ये रात तक उपलब्ध है। GD79 799 इसका कोड है, GD799। उसके बाद में 999 का हो जाएगा, बहुत बढ़िया नोट्स, बहुत जबरदस्त तैयारी, एकदम सटीक। तो जिसने मिशन वर्दी से नहीं जुड़े, एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर मिशन वर्दी से जरूर जुड़िए, यह आपको एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर मिशन वर्दी उपलब्ध है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है, आपको बताने दाल अनुसंधान संस्थान कहां पर है,
मीट अनुसंधान संस्थान कहां पर है? दाल मीट। आपको बता दें साथी, गन्ना शोध संस्थान कहां पर स्थित है? गन्ना शोध संस्थान। आपको बताना है सरसों शोध संस्थान कहां पर स्थित है? सरसों शोध संस्थान, सरसों शोध संस्थान, सरसों शोध संस्थान कहां पर स्थित है? यह बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ महत्वपूर्ण। आपको बता दें भारतीय बागवानी, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो लिख लीजिए भाई, गन्ना शोध संस्थान ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है, सरसों ये राजस्थान के भरतपुर में स्थित है, ये राजस्थान के भरतपुर में स्थित है, दाल ये भी उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है, मीट ये तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है, और भारतीय बागवानी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च ये कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित है, केंद्रीय चमड़ा संस्थान ये चेन्नई में स्थित है, यहीं पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी या NIOT करके भी संस्था है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। 11 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है, बागवानी बेंगलुरु, दाल कानपुर, मीट हैदराबाद, गन्ना शोध संस्थान लखनऊ, सरसों का कहां पर हो जाता है? राजस्थान के भरतपुर में। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का हेडक्वार्टर, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का हेडक्वार्टर IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर मुख्यालय आपसे पूछा है। देखिए भाई, यदि अमेरिका की राजधानी Washington DC पूछोगे तो यहां पर नासा का हेडक्वार्टर है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है, IMF का हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। जिनेवा में बहुत सारी संस्थाओं का, WHO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, इंटरनेशनल लेबर, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इन सब के हेडक्वार्टर जिनेवा। यह वियना नामक शहर है, वियना, यहां पर OPEC का हेडक्वार्टर भी है, यहां पर अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का हेडक्वार्टर भी है। वियना याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया नामक देश की राजधानी है, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, और डेन्यूब नदी के, डेन्यूब एक ऐसी नदी है लोग जो कि लगभग 10 देशों से होकर बहती है, 10 देशों से होकर बहती है, सबसे अधिक देशों से होकर बहने वाली नदी डेन्यूब नदी, 10 देशों से होकर बहती है, और काले सागर ब्लैक सी में अपना पानी गिराती है। तो वियना किस किस का हेडक्वार्टर? OPEC और अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, Washington DC, नासा, वर्ल्ड बैंक, IMF, जिनेवा, WHO, WTO, ILO और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसका उत्तर क्या जाता है साथी? वियना आपका बिल्कुल सही हो जाता है, वियना आपका साथी इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। प्रश्न संख्या, सार्क का पहला शिखर सम्मेलन, फर्स्ट सार्क समिट, आपसे ये नहीं पूछा है कि भाई सार्क बना कहां पर, मतलब ये नहीं पूछा कि जो सार्क है वो बना कब है, लेकिन आपसे पूछा है कि सार्क का प्रथम समिट जो है वो साथी कहां पर हुआ था, जो फर्स्ट सार्क समिट है इसका पहला कहां पर हुआ था, आपसे पूछ रहा है कि जो इसका पहला सार्क समिट है ये कहां पर हुआ था, पहला सार्क समिट ये कहां पर हुआ था, आप समझ के चलिएगा। ये बातें 1985 की, किसकी बातें? 1985 साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन करके एक संस्था का गठन होता, 8 देश इसके सदस्य बनते हैं, जिनमें देखोगे इंडिया, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, नेपाल भूटान बांग्लादेश, नेपाल भूटान बांग्लादेश, 3, 3, 6, 2, 8, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। इसका जो गठन होता है
इसका जो पहला समिट होता है या जिसको प्रथम शिखर सम्मेलन कहते हो वो हुआ कहां पर? ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। लेकिन इसका हेडक्वार्टर क्या चुना गया? इसका सचिवालय क्या चुना गया? इसका सचिवालय काठमांडू चुना गया। इसका जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू है, नेपाल की राजधानी। लेकिन इसका जो पहला समिट हुआ था वो बांग्लादेश में हुआ था। तो यही वो आपसे पूछ रहा था कि इसका पहला समिट जहां पर इसकी स्थापना की गई, तो अच्छे से याद रखिएगा साथी, इसका जो पहला समिट है वो 7 और 8 दिसंबर 1985 बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, वहां पर यह तय किया गया दक्षिण सार्क नामक एक संगठन बनाएंगे, 8 इसके सदस्य देश। हेडक्वार्टर क्या रखा गया? काठमांडू इसका हेडक्वार्टर रखा गया। तो यह नहीं पूछा आपसे कि भाई इसका हेडक्वार्टर कहां है, कब बना, कितने सदस्य देश है, या इसका गठन कहां हुआ, यह भी नहीं पूछा। इसका पहला शिखर सम्मेलन, और इसके पहले शिखर सम्मेलन में ही इसका गठन हुआ था 7 और 8 दिसंबर 1985। 13 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 14, प्राचीन सेंट थॉमस चर्च, कहते हैं कि इसको साथी 52 AD मतलब ईसा पूर्व, ईसा के 52 वर्ष बाद, ईसा जी के, ईसा मसीह के जन्म के 52 वर्ष बाद एक सेंट थॉमस करके थे उन्होंने, भारत के सबसे पुराने चर्चों में से एक चर्च है ये सेंट थॉमस चर्च, भारत के सबसे पुराने चर्चों में से एक, बहुत बढ़िया, ये पुराना चर्च है सेंट थॉमस चर्च। ये कहां पर स्थित है? तो ये साथी थिरुसूर जिले में स्थित है। कहां पर? थिरुसूर जिला, थिरुसूर जिला, पलायूर नामक जगह है केरल के थिरुसूर में, केरल के थिरुसूर में ये जगह है, यहीं पर सेंट थॉमस चर्च है, यहीं पर सेंट थॉमस चर्च है, केरल इसका बिल्कुल सही उत्तर है, सेंट थॉमस चर्च पलायूर केरल, जो कि साथी थिरुसूर जिले में है। ज्यादातर लोगों का गलत, ये थिरुसूर जिले में है। 52 AD की बात कर रहा हूं, और तुम लोग गोवा पहुंच गए, चले जाना गोवा भी चले जाना। 14 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। भारत के किस राज्य में कामाख्या मंदिर, मां कामाख्या देवी का मंदिर, यहां पर साथी एक बहुत ही बढ़िया अंबुबाची मेला लगता है। क्या लगता है? अंबुबाची मेला, अंबुबाची मेला लगता है। इसको पूर्व का महाकुंभ कहते हैं, अंबुबाची मेले को पूर्व का महाकुंभ कहा जाता है, पूर्व का महाकुंभ। कामाख्या मंदिर ये नीलाचल पहाड़ी पर है। किस पर? नीलाचल पहाड़ी, नीलाचल हिल्स पर स्थित, असम के शहर गुवाहाटी में, असम के शहर गुवाहाटी में। तो याद रखिएगा, मां कामाख्या देवी का मंदिर असम के शहर गुवाहाटी में, यहां पर एक मेला लगता है अंबुबाची मेला, पूर्व का महाकुंभ कहते हैं। यहीं से संबंधित एक डांस है जिसे देवधानी नृत्य कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? देवधानी नृत्य। यह भी मां कामाख्या मंदिर से संबंधित नृत्य है। तो कामाख्या देवी का मंदिर असम गुवाहाटी नीलाचल पहाड़ी पर, यहां पर कौन सा मेला लगता है? अंबुबाची मेला। अंबुबाची मेले को पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है, और देवधानी नृत्य ये कामाख्या मंदिर से ही संबंधित है, ये कामाख्या मंदिर से ही संबंधित है। हंस दमयंती की पेंटिंग, मैंने क्या बताया कि आप लोगों के लिए पेंटिंग्स भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई ये जो अपना क्या नाम था, भारत माता, भारत माता, भारत माता पेंटिंग किसने बनाई, भारत माता पेंटिंग किसने बनाई, तो भारत के कुछ फेमस चित्रकार हैं, केवल इसके बारे में नहीं कहते, और भी बहुत सारी पेंटिंग है जिनके बारे में SSC लगभग 30 से 35 पेंटिंग है, जिन्हें मैं एग्जाम प्रोफेशनल ऐप पर आप लोगों को एक एक थ्योरी में अच्छे से डिटेल में करवाऊंगा, और फिर भी जो जो महत्वपूर्ण यहां पर हो पाती है वो भी मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को साथी यहीं पर करा दिया जाए। ये बहुत बड़े पेंटर थे, और ये पता है केरल में जो त्रावणकोर राजा है उनके यहां पर ये रहा करते थे, यहीं इन्होंने ये सारी पेंटिंग बनाई है, बहुत ही ज्यादा फेमस, बहुत ही ज्यादा फेमस। जैसे हंस दमयंती की, जो रानी दमयंती है वो एक हंस से बात कर रही है,
अर्जुन सुभद्रा, अर्जुन जो है वो सुभद्रा को लेकर जा रहे हैं, शकुंतला की पेंटिंग, शकुंतला की पेंटिंग, नैयर वुमेन, नैयर वुमेन, शकुंतला दुष्यंत को का संवाद। तो याद रखिएगा, इन्होंने जैसे अविन्द्रनाथ टैगोर, इन्होंने बनाई भारत माता पेंटिंग। कौन सी पेंटिंग? भारत माता पेंटिंग, भारत माता पेंटिंग। राजा रवि वर्मा, राजा रवि वर्मा, इनकी अर्जुन सुभद्रा, अर्जुन सुभद्रा, नैयर वुमेन पेंटिंग, नैयर वुमेन को चित्रित करती हुई। एक इनकी हंस दमयंती हो गई, एक इनकी साथी शकुंतला पेंटिंग हो गई। तो ये कुछ फेमस पेंटिंग है जो राजा रवि वर्मा जी के द्वारा बनवाई गई है। तो ध्यान दीजिएगा, हंस दमयंती ये राजा रवि वर्मा, अविंद्रनाथ टैगोर जी ने भारत माता पेंटिंग। 16 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। अभी हम लोग इस हफ्ते राज्यवार जीके सारी कंप्लीट कर लेंगे, 50% 60% कंप्लीट। उसके बाद में म्यूजिक, पेंटिंग, किताबें, यही सब चीजें चलेंगी। जो पिछले 10 साल में एसएससी ने कहीं से छोटा सा भी कुछ पूछा है उसको डीपली डिस्क्राइब करा देंगे। 16 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। कौन सा दिवस अक्टूबर माह में नहीं पड़ता? पूछने का तरीका बदल दिया। कौन सा दिवस अक्टूबर माह में नहीं पड़ता? कहते हैं कि वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, तनिक पत्र छाओ भी, मांग मत मांग मत मांग मत। तूने झुकेगा कभी, तूने रुकेगा कभी, तूने मुड़ेगा कभी, तूने रुकेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। एक एक चीज को नोट कीजिएगा, जब क्लास कंप्लीट होगी तो बहुत बढ़िया महसूस करोगे। अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस, गांधी जयंती को इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे के रूप में मनाया जाता है। भारतीय वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस, अच्छे से याद रखिएगा, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इस बार जो होस्ट देश, हर साल इसका कोई ना कोई होस्ट रहता है, वो साथी स्वीडन रहा है। इसका होस्ट देश स्वीडन। कौन सा दिवस अक्टूबर माह में? तो याद रखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, होस्ट देश स्वीडन रहा है। अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर, भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर। 17 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति भवन को किसने डिजाइन किया था? राष्ट्रपति भवन को किसने डिजाइन किया है? राष्ट्रपति भवन को किसने डिजाइन किया है? और इसके कभी कभी इसके नाम पर, कभी कभी साथी इनके नाम पर आ भी जाता है, कभी कभी इनके नाम पर आ भी जाता है। बिल्कुल सही साथी, बिल्कुल सही। कि जैसे लुटियंस मीडिया, जो एक बड़ी मीडिया होती है उसे लुटियंस मीडिया भी कह देते हैं कभी कभी। तो एडविन लुटियन, याद रखिएगा, एडविन लुटियन, इसी के द्वारा राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किया गया है। एडवर्ड लुटियन, ये जो अपना राष्ट्रपति भवन है, ये साथी अरावली पर्वत की ही एक कौन सी चोटी पर बसा है? अरावली पर्वत श्रृंखला की कौन सी चोटी पर बसा है? अरावली पर्वत श्रृंखला की, श्रृंखला की ही एक चोटी पर यह बसा हुआ है। इसी के नाम पर भारत में एक विदेशी नीति को लेकर एक सिक्योरिटी डायलॉग भी आयोजित किया जाता है, जिस प्रकार से शंग्रीला सिंगापुर में आयोजित किया जाता है, इसी प्रकार से भारत का भी आयोजित किया जाता है। ली कार्बूजियर का संबंध चंडीगढ़ से हो जाता है। तो राष्ट्रपति भवन को एडविन लुटियन के द्वारा, किसके द्वारा? एडविन लुटियन के द्वारा, एडविन लुटियन के द्वारा। रायसीना हिल्स, रायसीना हिल्स, चलिए भैया 18 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। 18 का उत्तर सी। फिर से मैं आप सभी को बता दूं, आज लास्ट डे है एसएससी जीडी कांस्टेबल इस मिशन वर्दी से जुड़ने का। तो जो साथी इससे भी नहीं जुड़े, आप अब इतना महंगा नहीं है बच्चा, लेकिन आप लोगों को जो कंटेंट है वो एकदम सेटिस्फेक्शन वाला मिलेगा। तंजानिया की राजधानी आपको बतानी है, हमने इसके कल भी जिक्र किया था,
तंजानिया की राजधानी आपको बतानी है, तंजानिया की राजधानी आपको बतानी है, तंजानिया की राजधानी आपको बतानी है। चलिए देखिए, नैरोबी केन्या की राजधानी हो जाती है, नैरोबी केन्या की राजधानी, कंपाला युगांडा की राजधानी, कंपाला युगांडा की राजधानी, लुसाका ये जाम्बिया की राजधानी, लुसाका जाम्बिया नामक देश की राजधानी, तंजानिया की डोडोमा हो जाती है, तंजानिया की क्या हो जाती है डोडोमा, तंजानिया की डोडोमा शिलिंग इसकी मुद्रा, नैरोबी केन्या की राजधानी, कंपाला युगांडा की राजधानी, लुसाका जाम्बिया की राजधानी, डोडोमा ये तंजानिया की राजधानी। तंजानिया में एक क्षेत्र है जंजीबार, वहीं पर एक द्वीप है जिसमें साथी लौंग के लिए बहुत फेमस है, वो लौंग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर, भारत का दूसरा जनसंख्या वाला भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर। और आपको यह बता के चलना है कि साथी 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार तो लिख लीजिए MDBH, MDS तो सुना ही है तो बी और लगा लीजिएगा बीच में, MDBH सर्वाधिक जनसंख्या 2011 के अनुसार मुंबई, दूसरी दिल्ली, तीसरी बेंगलुरु, चौथी हैदराबाद, पांचवी अहमदाबाद। सर्वाधिक जनसंख्या वाला मुंबई और दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या दिल्ली, 2011 की जनगणना के अनुसार देखें, 2011 की जनगणना के अनुसार देखें। हालांकि यदि आप 2021 में देखेंगे तो थोड़ा सा दिल्ली की जनसंख्या मुंबई की जनसंख्या को क्रॉस कर गई है, लेकिन हमसे 2011 की जनगणना के अनुसार। यदि शहरी पॉपुलेशन में नगरीय जनसंख्या में देखते हैं, नगरीय जनसंख्या में ओवरऑल, तो पहले नंबर पर महाराष्ट्र आ जाता है। ओवरऑल जनसंख्या में तो पहले नंबर पर यूपी, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर बिहार, चौथे पर वेस्ट बंगाल। चलिए भैया, तो 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे, पहले नंबर पर मुंबई, दूसरे पर दिल्ली। कौन सा त्योहार डांडिया और गरबा जैसे नृत्यों के साथ मनाया जाता है? डांडिया और गरबा ये कौन से त्योहार पर किया जाता है? डांडिया और गरबा यह के अन्य डांस है टिप्पाणी डांस, यह के अन्य पधार नृत्य, डांडिया, गरबा, टिप्पाणी, पधार। याद रखिएगा, ये सभी गुजरात में नवरात्रि के मौके पर आयोजित किए जाते हैं, जबकि जो बैसाखी का त्योहार है वो पंजाब में भांगड़ा गिद्दा इत्यादि ये पंजाब में बैसाखी के समय पर। 21 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। हॉर्नबिल त्योहार ये किस राज्य में मनाया जाता है दिसंबर के महीने में? हॉर्नबिल त्योहार इस राज्य की राजधानी कोहिमा हो जाती है। 1 दिसंबर 1963 असम को विभाजित करके इस राज्य का गठन किया गया था। यहां पर कई सारी जनजाति है तो हर जनजाति के अपने अलग अलग त्योहार है। नागालैंड में हॉर्नबिल त्योहार नागालैंड का सबसे बड़ा त्योहार है जिसे प्रत्येक जनजाति मिलकर धूमधाम से मनाते हैं। नागालैंड का त्योहार नागालैंड, तो अच्छे से याद रखिएगा,
22 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है, 22 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। जैसे उड़ीसा का देखोगे, बाली जात्रा धनु जात्रा, पश्चिम बंगाल का डोल जात्रा। 22 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है, 22 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। कौन सा त्योहार फसलों की कटाई से संबंधित है? ध्यान से उत्तर दीजिएगा, कौन सा त्योहार फसल कटाई, इसको हार्वेस्ट फेस्टिवल कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? हार्वेस्ट पर्व, फसल कटाई। जैसे कि आप देखोगे बैसाखी, ये भी हार्वेस्ट फेस्टिवल है। इसी प्रकार आप बंगाल का देखोगे नवन्ना, ये भी हार्वेस्ट फेस्टिवल है। इसी प्रकार आप रोंगाली बिहू देखोगे, या बोहाग बिहू जिसको कहते हैं, रोंगाली बिहू असम का, ये भी फसल कटाई से संबंधित त्योहार है, ये भी फसल कटाई से संबंधित त्योहार है। गुरु पूर्णिमा, ये तो फसल कटाई से संबंधित नहीं है, ईद उल फितर भी नहीं है, ईस्टर भी नहीं है। जो तमिलनाडु का पोंगल त्योहार होता है, तमिलनाडु का पोंगल त्योहार, असल में मकर संक्रांति को यहां पर पोंगल कहते हैं, मकर संक्रांति को पोंगल कहा जाता है तमिलनाडु में। यह 3 दिन चलता है, भोगी पोयगल, सूर्य पोंगल, मट्टू पोंगल, जो तीसरा दिन होता है मट्टू पोंगल, इसी दिन साथी त्योहार मनाते हैं जल्लीकट्टू। तो याद रखिएगा, भोगी पोंगल 3 दिन का तो है ही है, भोगी पोंगल, सूर्य पोंगल और मट्टू पोंगल। मट्टू पोंगल के दिन ही जल्लीकट्टू का त्योहार होता है, जिसमें एक गुस्सेल सांड को काबू किया जाता है। 23 का उत्तर ये आपका बिल्कुल सही है, पोंगल त्योहार मकर संक्रांति को भी कहते हैं, और ये एक फसल कटाई त्योहार है, ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल, जैसे बैसाखी, नवन्ना, असम का रुंगाली बिहू होता है। 23 का उत्तर ये आपका बिल्कुल सही है। सिलेक्शन डे किसकी पुस्तक है? सिलेक्शन डे किसकी पुस्तक है? इनको 2008 में बुकर प्राइज भी मिल चुका है, इनको 2008 में बुकर प्राइज भी मिल चुका है। विक्रम सेठ की है, सूटेबल बॉय, ये विक्रम सेठ की है। अमीश त्रिपाठी, इन्होंने राम जी के ऊपर एक 3/4 पुस्तक आई है इनकी, राम सीरीज की। इन्होंने साथी भगवान शिव के ऊपर 3 सीरीज की, लीजेंड ऑफ किंग सुहेलदेव। तो अमीश त्रिपाठी इस प्रकार की पुस्तक लिखने के लिए जाने जाते हैं। अरविंद अड़िगा, याद रखिएगा, अरविंद सिलेक्शन के लिए अड़ गया, तो 2008 में इनको बुकर प्राइज भी मिला था। 2008 में इनको बुकर प्राइज, तीसरे भारतीय बने थे। इनके पुस्तक आई थी व्हाइट टाइगर, इनके पुस्तक आई थी व्हाइट टाइगर, उसके लिए इनको बुकर प्राइज भी मिला। फिर इन्होंने एक पुस्तक लिखी सिलेक्शन डे, अरविंद अड़ गया। 24 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय सुशासन दिवस, ये भारत के कुछ राष्ट्रीय दिवस है। क्या आप एक छोटी सी लिस्ट बनाना चाहोगे? मेरे साथ लिस्ट बनाते चलिए। एक आ जाता है साथी 12 जनवरी, फिर एक आ जाता है 15 जनवरी, फिर आ जाता है साथी 23 जनवरी, फिर आ जाता है 24 जनवरी, फिर आ जाता है 25 जनवरी, फिर आ जाता है 28 फरवरी, फिर आ जाता है 11 मई, फिर आ जाता है 29 अगस्त, 24 अप्रैल, 11 मई, 29 अगस्त, 11 नवंबर, 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, 24 दिसंबर, 25 दिसंबर। ये कुछ राष्ट्रीय दिवस है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं। नेशनल यूथ डे, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती। इंडियन आर्मी डे, भारतीय थल सेना दिवस। 23 जनवरी को राष्ट्रीय पराक्रम दिवस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल स्पोर्ट्स डे। 24 अप्रैल नेशनल पंचायती राज दिवस, नेशनल एजुकेशन डे। 22 दिसंबर
ये हो जाता है मेथ्स, 23 दिसंबर किसान, 24 दिसंबर ग्राहक, राष्ट्रीय ग्राहक दिवस, उपभोक्ता दिवस, और 25 दिसंबर ये होता है अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। 25 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहां पर है? नेशनल यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी, अर्थात यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर तो तुरंत बता देते हैं, यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर तो हम लोग तुरंत बता देते हैं। यूनिवर्सिटी भी होती है क्या इसकी? यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी का हेडक्वार्टर कहां पर है? यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी दिसंबर 1972 में एक थिंक टैंक है, दिसंबर 1972 में इसकी स्थापना की गई। इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा है, देखिए यदि यूनाइटेड नेशंस की पूछता तो तुरंत आप न्यूयॉर्क बता देते, न्यूयॉर्क अमेरिका यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर। यूनेस्को का पूछता तो पेरिस फ्रांस बता देते, लेकिन आपसे संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय पूछ लिया, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय, इसका मतलब एक चीज क्लियर हो जाती है कि हमारी यह चीज तैयार नहीं है, अन्यथा आप उत्तर दे देते, क्योंकि आपका सबका गलत है। यह जापान की राजधानी टोक्यो में है, यह जापान की राजधानी टोक्यो में है। तो याद रखिएगा, जापान की राजधानी टोक्यो में दिसंबर 1972 में संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय एक थिंक टैंक, थिंक टैंक यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी का हेडक्वार्टर एक थिंक टैंक है, दिसंबर 1972 में कहां पर? जापान की राजधानी टोक्यो। अहमद शाह अब्दाली ये किस देश से आया था? क्वेश्चन पूछने का तरीका देख रहे हो, अहमद शाह अब्दाली ये किस देश से आया था? यह बात है 1761 14 जनवरी 1761 पानीपत का तृतीय युद्ध, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का तृतीय युद्ध, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, मराठा और अहमद शाह अब्दाली, मराठा और अहमद शाह अब्दाली, मराठा और अहमद शाह अब्दाली, बहुत ही निर्णायक युद्ध था। यह किस देश से आया था? यह अफगानिस्तान से आया था। याद रखिएगा, अहमद शाह अब्दाली यह अफगान था, अफगानिस्तान से भारत आया था। 1761 पानीपत का तीसरा युद्ध, मराठा और अहमद शाह अब्दाली। 27 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। सम्राट अकबर का मकबरा किस शहर में स्थित है? सम्राट अकबर का मकबरा, ये आप देखोगे तो इसमें आपको कुछ मुगल वंश के जो महत्वपूर्ण राजा रहे हैं, जो पूछे जाते हैं, उनके मकबरे देख लेते हैं। जैसे बाबर मुगल वंश का संस्थापक, इसका मकबरा काबुल है। इसका मकबरा कहां है? अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। बाबर के बाद में आया हुमायूं, हुमायूं का मकबरा यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भी है, इसका मकबरा दिल्ली में है। दिल्ली के बाद में आया अकबर, अकबर का मकबरा आगरा सिकंदरा, आगरा सिकंदरा में स्थित है। अकबर का कहां पे हो जाता है? सिकंदरा, ठीक है भैया। अकबर का जो लड़का था वो था शहजादा सलीम जहांगीर, बचपन का नाम सलीम अनारकली, लाहौर। याद रखिएगा, अनारकली का मकबरा भी लाहौर, वर्तमान पाकिस्तान। शाहजहां का लड़का था, वो जहांगीर का लड़का था शाहजहां, इसका साथी ताजमहल आगरा, ताजमहल आगरा, ठीक है भाई। और शाहजहां का निकम्मा लड़का था औरंगजेब, बाप को बंद कर दिया 8-10 साल, इसका औरंगाबाद अर्थात संभाजीनगर, संभाजीनगर महाराष्ट्र, जहां पर बीबी का मकबरा, रबिया उद्दौरानी का मकबरा। तो याद रखिएगा, 28 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है, अकबर का मकबरा आगरा सिकंदरा में स्थित है। कर्नाटक का मैसूर पैलेस किस राजवंश का आधिकारिक निवास था? किस राजवंश का आधिकारिक निवास था? मैसूर की बात कर ले, ध्यान दीजिएगा, मैसूर, चामुंडेश्वरी हिल्स, चामुंडेश्वरी मंदिर, चामुंडेश्वरी हिल्स की तलहटी में बसा हुआ है मैसूर।
मैसूर का जो भवन है इसको अंबा विलास अंबाजी पैलेस कहते हैं। यहीं पर 2021 में जो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन हुआ है। 2022 में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन ये मैसूर के अंबा जी पैलेस में किया गया है। चामुंडा चामुंडेश्वरी हिल्स चामुंडेश्वरी मंदिर भी है। मैसूर में कनक वृंदावन नाम से गार्डन्स है, कनक वृंदावन गार्डन्स नामक नाम से गार्डन है, कनक वृंदावन गार्डन। अगर कनक वृंदावन गार्डन पूछे तो मैसूर कर्नाटक, यहीं पर देश का पहला चंदन संग्रहालय, देश का पहला चंदन म्यूजियम सैंडलवुड म्यूजियम है। ये वाडियार वंश की, ये वाडियार वंश का महल रहा है। क्वेश्चन पूछने का एसएससी का तरीका देख रहे, मैंने इससे संबंधित चार चीजें और बता दी। मैं मैसूर में कनक वृंदावन गार्डन, मैसूर कर्नाटक में है, पहले राजधानी रहा करता था कभी वाडियार वंश, यहीं से हैदर अली टीपू सुल्तान ने भी राज किया है। चामुंडेश्वरी हिल्स के तलहटी में कनक वृंदावन गार्डन, चंदन संग्रहालय, चामुंडेश्वरी का मंदिर, यहीं पर 2022 के अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन। जनवरी में पेपर शुरू है, जीडी के पहले बता रहा हूं, 40 दिन बचे हैं, आग सी लगा दो अपने दिल के अंदर, और जो बुझे ना, जो 7-8 घंटे की पढ़ाई थी 10-12 घंटे कर दो, बहुत कठिन कंपटीशन है। और जब तुम्हारे पास अच्छे नोट्स अच्छे नहीं पढ़े हुए, तुमने पढ़ लिया ऊपर ऊपर से, कोई तुम्हें नहीं पढ़ाएगा, तुम किसी का कोर्स कहीं कुछ देख लो, ये तुम्हें एग्जाम की क्लास में मिलेगा। कर्नाटक 5वें नंबर पे मैंने राज्यों में कराया था, 6 नंबर पर गुजरात के बाद में, जाके देख लीजिए एक एक चीज कंप्लीट और डीपली, यहां तो आपको और ही कम डिटेल्स है। गांधी शांति पुरस्कार, ये साथी वार्षिक पुरस्कार है। गांधी पीस प्राइज आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी कई बार गांधी पीस प्राइज का जो बोलते हैं उसे घोषणा कर चुके हैं, तो यही आपसे बताया है कि जो गांधी पीस प्राइज है, जो गांधी पीस प्राइज है 1995 से दिया जा रहा है, लगभग 19 लोगों को अभी तक दिया जा चुका है, ये 19 लोगों को अभी तक दिया जा चुका है। प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा, पिछले वर्ष जिसको किसी को अवार्ड मिला हो उनमें से एक बढ़िया व्यक्ति, और लीडर। याद रखिएगा ये सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल क्षेत्र में किसी व्यक्ति ने बेहतरीन कार्य किया हो उसको दिया जाता है, ये व्यक्तियों को भी दिया जाता है, ये साथी संस्थाओं को भी दिया जाता है, ये व्यक्ति संस्था दोनों को दिया जाता है, व्यक्तियों को भी दिया जाता है, संस्थाओं को भी दिया जाता है। 1995 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार है, रुपए 1 करोड़ का क्या हो जाता है, पुरस्कार हो जाता है वार्षिक। एक और जूलियस नीरे तंजानिया के ये पॉलिटिशियन थे जिनको सबसे पहले दिया गया था, जबकि 2020 में शेख मुजीबुर रहमान जब प्रधानमंत्री जी बांग्लादेश की यात्रा पर गए थे तब अनाउंसमेंट किया था शेख मुजीबुर रहमान, उससे पहले सुलभ इंटरनेशनल को मिल चुका है और भी कई लोगों को मिल चुका है, तो इसलिए संस्था और व्यक्ति दोनों को दिया जाता है। 30 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है, गांधी शांति पुरस्कार, अच्छे से नोट कर लीजिएगा, डेली एक एक पुरस्कार करेंगे, 40 दिन में 40 पुरस्कार। इसीलिए फिर से बता रहा हूं क्योंकि जो थ्योरी जिस प्रकार से यहां पर कवर हो रही है उसका कोई तोड़ नहीं है। अब सभी लोग मिशन वर्दी से जरूर जुड़े बच्चा। चलिए 1945 में यूएनओ के गठन के समय इसके सदस्य देशों की संख्या, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के गठन के समय तो हेडक्वार्टर कहां पर हो जाता है, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में हो जाता है, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका, न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है, न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे। चलिए भैया, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, जबकि इसका जो चार्टर लागू हुआ वो 24 अक्टूबर 1945 से, चार्टर लागू जो हुआ वो 24 अक्टूबर 1945 से, 24 अक्टूबर 1945, 51 इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे, भारत उनमें से एक मेंबर था, 51 इसके फाउंडिंग मेंबर थे। जबकि आप यूनाइटेड नेशंस के चार्टर को साइन देखोगे तो चार्टर साथी यूनाइटेड नेशंस का ये तो जून 1945 में ही, इसका जो चार्टर है वो जून 1945 में ही इन देशों के द्वारा 26 जून 1945, ये भी पूछा जाता है
जो इसका चार्टर साइन किया गया था वो 26 जून 1945 को किया गया था। 26 जून 1945। 31 का उत्तर ए आपका बिल्कुल सही है। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? खिलाफत आंदोलन जो तुर्की में जो खलीफा था जब ब्रिटिश ने फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में उसकी अधिकारों को हटा दिया, उसके जो कुछ क्षेत्र थे उनको वापस ले लिया, तो विश्व के मुस्लिमों में क्रोध की लहर दौड़ गई। उसी का परिणाम यह हुआ कि भारत में भी खलीफा के लिए खिलाफत आंदोलन शुरू हो गया। याद रखिएगा, शौकत अली और मोहम्मद अली, अली बंधु शौकत अली और मोहम्मद अली, इन्होंने भारत में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। शौकत अली और मोहम्मद अली, इनको अली बंधु भी कहा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने किस सम्मान को लौटाया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, उस समय जो अमृतसर का सम्मेलन था कांग्रेस का, अमृतसर सम्मेलन, मोतीलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी, मोतीलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। याद रखिएगा, इसमें दो व्यक्ति थे, जो माइकल ओडायर वो पंजाब का गवर्नर था जिसकी हत्या लंदन में शहीद उधम सिंह जी के द्वारा की गई। रेनीगार्ड डायर जिसने गोली चलाने का आदेश दिया था वो अपनी बुरी मौत मरा। कौन सा था? याद रखिएगा, केसर ए हिंद, केसर ए हिंद की उपाधि, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में केसर ए हिंद की उपाधि गांधी जी ने लौटाई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में केसर ए हिंद की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि ये उन्होंने लौटाई थी। 33 का उत्तर ही आपका बिल्कुल सही है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यह साथी फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में, फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक, यह साथी एक हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक। हालांकि इससे पहले एचआरए नामक एक संस्था थी, एचआरए नामक एक संस्था थी, उसके स्थान पर फिर ये HSRA का गठन किया गया, HSRA का गठन किया गया। तो याद रखिएगा, सचिंद्रनाथ सान्याल, भगत सिंह जी। अब जब सचिंद्रनाथ सान्याल जी का इसमें जिक्र नहीं है तो आप भगत सिंह इसका सही उत्तर लगाइएगा। विनायक दामोदर सावरकर, जिन्होंने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। जयप्रकाश नारायण जी, इनके नाम पर पटना का एयरपोर्ट भी है। संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति का नारा लोक नायक जयप्रकाश नारायण। तो याद रखिएगा, 34 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। भगत सिंह जी ने भारत नौजवान सभा का गठन भी किया था, भारत नौजवान सभा का गठन भी भगत सिंह जी के द्वारा किया गया था। 34 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। नई दिल्ली को देश की राजधानी कब बनाया गया? नई दिल्ली को देश की राजधानी कब बनाई गई थी, कब घोषणा हुई थी? यह बात है किंग जॉर्ज पंचम के द्वारा। किसके द्वारा? किंग जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी। किंग जॉर्ज पंचम 1911 में भारत दौरे पर आया, भारत दौरे पर आया, इसी के स्वागत के लिए मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया। भारत के दौरे पर इसने दो बड़ी घोषणाएं की, एक तो बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया, एक तो साथ ही बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया, जो बंगाल विभाजन था उसे रद्द किया, और राजधानी कोलकाता से दिल्ली, राजधानी दिल्ली होगी, यह घोषणा की गई। 1911 की बात है। प्रश्न संख्या 35 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 35 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। 15 अगस्त 1947 जब भारत आजाद हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे जब देश आजाद हुआ? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे?
INC के साथ ही आपसे प्रेसिडेंट पूछा है, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट। तो यदि आप पहले प्रेसिडेंट की बात करोगे तो 1885 व्योमेश चंद्र बनर्जी। आजादी के समय की बात करोगे, देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 कराची अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू 1929 में भी रहे, फिर 1936 में भी जवाहरलाल नेहरू रहे, जेबी कृपलानी 1940 से 47 तक, राजेंद्र प्रसाद जी 1934 में भी रहे, और राजेंद्र प्रसाद जी तब भी रहे जब 1939 त्रिपुरी में सुभाष चंद्र बोस जी ने इस्तीफा दे दिया था। सबसे लंबे समय तक और सबसे युवा ये मौलाना अबुल कलाम आजाद। इंडिया विंस फ्रीडम इनकी पुस्तक है, तो याद रखिएगा। जेबी कृपलानी ये आजादी के समय, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। यहां पे तो डेट दे दी, केवल स्वतंत्रता के समय भी कह सकता था वो पूछने वाला। और उसके बाद में 1948 में पट्टाभी सीतारमैया। आजादी के बाद में गांधी जी ने सुझाव दिया था कि कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। 36 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। डैश द्वारा लिखित नील दर्पण में अंग्रेजों के हाथों नील की खेती करने वाले किसानों की दशा और उनके शोषण की व्याख्या की गई है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? नील दर्पण पुस्तक किसके द्वारा, जिसमें नील किसानों के शोषण की कहानियां लिखी गई हैं? नील दर्पण पुस्तक किसकी है? रविन्द्रनाथ टैगोर, मुंशी प्रेमचंद, चंद्र चटर्जी या साथी दीनबंधु मित्र? रविन्द्रनाथ टैगोर जी की गीतांजलि, जिसके लिए 1913 में साहित्य का नोबल प्राइज भी इनको मिला, पहले एशियाई व्यक्ति जिनको साहित्य का नोबल प्राइज मिला। मुंशी प्रेमचंद जी ने गोदान, गबन इत्यादि बेहतरीन पुस्तकें लिखी, उपन्यास लिखे। दीन बंधु मित्र जी की पुस्तक थी नील दर्पण। यहां पे बंकिम चंद्र चटर्जी लिखना चाहते होंगे, इन्होंने साथ ही आनंद मठ पुस्तक लिखी है, आनंद मठ, जिससे हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है। 37 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। वर्ष 1778 में अंग्रेजों ने डैश पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना, देखिए भारत में प्रिंटिंग प्रेस को लाने का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है, लेकिन यहां पर अंग्रेजों की बात चली है। फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस याद रखिएगा, सेंट पॉल कॉलेज में 1556 में सबसे पहले गोवा में पुर्तगाली ये सबसे पहले लेकर आए। लेकिन यदि हम लोग इंग्लिश की बात करें कि अंग्रेजों ने फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस ये कब स्थापना की, ब्रिटिश की बात चल रही है, 1778 में। अब आप एक चीज का तो उत्तर आराम से दे सकते हो कि 1778 में ये देखो कि भाई अंग्रेज थे कहां पर, किस जगह अंग्रेजों का ज्यादा बोलबाला था, अंग्रेजों के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या था। 1757 बैटल ऑफ प्लासी जीत चुके हैं, 1764 बैटल ऑफ बक्सर जीत चुके हैं, बिहार बंगाल उड़ीसा की दीवानी अधिकार, उस समय जो मुख्यालय था वो कहां था, कलकत्ता बंगाल प्रेसिडेंसी। तो जाहिर सी बात है कि वो प्रिंटिंग प्रेस भी कहां लगाएंगे, ज्यादातर कागजात की जरूरत कहां पड़ेगी, कलकत्ता। तो ब्रिटिश ने तो 1778 में कलकत्ता लगाई, और भारत में पहली बार 1556 में ओल्ड गोवा, ये पुर्तगालियों ने प्रिंटिंग प्रेस, सोच लो 1556, मतलब आज से कितने साल पहले पुर्तगाली प्रिंटिंग प्रेस भारत ले आए थे, 1778 में अंग्रेजों ने। 38 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। टीपू सुल्तान मस्जिद, यहां पर टीपू सुल्तान का नहीं पूछ रहा, टीपू सुल्तान मस्जिद
टीपू सुल्तान मस्जिद ये कहां पर स्थित है? मैसूर, कोलकाता, बेंगलुरु, दिल्ली, कहां पर स्थित है? जहां पर यह मस्जिद स्थित है यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्मारक स्थित है, विक्टोरिया मेमोरियल। ये जो इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया थी उसकी याद में विक्टोरिया मेमोरियल बनाया गया था। इसका जो वास्तुकार था वो था विलियम एमर्सन करके इसका वास्तुकार था, और विंसेंट एस इनके वास्तुकार पूछ रहा है विक्टोरिया मेमोरियल का, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस का, जो गेटवे ऑफ इंडिया है उसका। तो याद रखिएगा टीपू सुल्तान मस्जिद ये कोलकाता में स्थित है। टीपू सुल्तान मस्जिद की बात हो रही है, ये कोलकाता में स्थित है। 39 का उत्तर एबीसी सी आपका बिल्कुल सही है, 39 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी कहां पर खोली गई? फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंसी, तीन प्रेसिडेंसी थी उस समय, पहली थी ब्रिटिश, पहली जैसे अगर देखें तो बंगाल प्रेसिडेंसी कोलकाता, मद्रास प्रेसिडेंसी चेन्नई, और बंबई प्रेसिडेंसी बंबई। तो पूछा है फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंसी। यदि हम लोग फैक्ट्री की बात करते तो सूरत हो जाता, तब कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन फर्स्ट प्रेसिडेंसी आपसे पूछ रहा है। बिल्कुल सही, देखिए भाई यदि हम इनकी साल देखें तो जो मद्रास प्रेसिडेंसी है इसे 1640, जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी बॉम्बे की बात करें तो ये पहले सूरत में इसका हेडक्वार्टर था, फिर सूरत से मुंबई ले गए 1687 में। और बंगाल तो बहुत बाद में इन्होंने जीता है, और बंगाल प्रेसिडेंसी की यदि बात करें तो यह साथी 1690 में। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हो पहली प्रेसिडेंसी। हालांकि जो इसका उत्तर माना है वो सूरत ही माना है जहां पर प्रथम फैक्ट्री, क्योंकि इनका मद्रास तो इसमें है नहीं। तो ये जो पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की बात कर रहे हैं वो असल में फैक्ट्री के हिसाब से कर रहे हैं यहां पर, क्योंकि जो पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी थी वो मद्रास में 1640 में, बॉम्बे पहले सूरत हेडक्वार्टर था, वहां से साथी ये मुंबई ले गए 1687 में, और बंगाल 1690। तो ये पहली फैक्ट्री के हिसाब से पूछ रहे हैं। 40 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है, 41। तो मिशन वर्दी के बारे में मैं आपको कई सारी चीज लगातार बताता चल रहा हूं, आज इसकी लास्ट डेट है, रात तक आप इससे जरूर जुड़ जाइएगा। विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर हरमिंदर साहिब गोल्डन टेंपल की आधारशिला किसने रखी थी? गोल्डन टेंपल की आधारशिला याद रखिएगा, अमृतसर शहर की स्थापना रामदास पूर्वी कहते थे चौथे सिख गुरु गुरु रामदास जी के द्वारा अमृतसर शहर की स्थापना की गई। गोल्डन टेंपल अकाल तख्त यहीं पर है श्री हरमिंदर साहिब की आधारशिला किसने रखी? याद रखिएगा हजरत मियां मीर के द्वारा गोल्डन टेंपल की आधारशिला रखी गई। आगरा का लाल किला यूनेस्को विश्व विरासत स्थल। आगरा का लाल किला किस मुगल सम्राट के द्वारा? शाहजहां ने जो बनवाया दिल्ली का लाल किला, ताजमहल। हालांकि वास्तुकला का जो शीर्ष बिंदु देखने के लिए मिलेगा वो शाहजहां के समय पर,
चित्रकला का जहांगीर के समय पर, आगरा का लाल किला यह अकबर के द्वारा बनवाया गया था। आगरा का लाल किला अकबर के द्वारा यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भी घोषित किया गया है। भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था, पीकॉक थ्रोन। यह बात है 1739 की, यह बात कब की है 1739। पीकॉक थ्रोन कौन लेकर गया था भारत से, पीकॉक थ्रोन सन 1739 में कौन लेकर गया था, इसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। जैसे भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, इसे ईरान का नेपोलियन कहते हैं नादिर शाह। ईरान का नेपोलियन ईरान का बाशिंदा था, इसने 1739 में भारत पर आक्रमण किया और यह भारत से शाहजहां द्वारा बनवाई गई मयूर सिंहासन को लेकर चला गया। 43 का उत्तर ए आपका बिल्कुल सही है, नादिर शाह। भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने डैश को मसौदा समिति का गठन किया, अध्यक्ष समेत 7 सदस्य, अध्यक्ष चुने गए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर इसके अध्यक्ष चुने गए, बाकी अन्य व्यक्ति। पूछा इसका गठन कब किया गया था, भाई मसौदा समिति के इसके उस पर 26 नवंबर 1949 को तो इसे अडॉप्ट अंगीकृत किया गया, तो 1949-1950 का तो कोई मतलब नहीं है। 1900 इसका कब किया गया, अब देखो अगस्त की बात करें तो अगस्त में भी कैसे होगा, सोचो क्यों अगस्त में कैसे नहीं होगा, क्योंकि यदि आप इसको गिरोगे पूरा, मसौदा समिति की बात है, ड्राफ्टिंग कमेटी की बात है, तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को हुई, फिर 11 दिसंबर 1940 को दूसरी बैठक, इसका मतलब आजादी से पहले ही हमारी संविधान सभा बन चुकी थी, तो जाहिर सी बात है 29 अगस्त 1947, क्योंकि तभी तो इसको 2 साल 11 महीने और कुछ दिन लगे। 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति का गठन किया गया था, ए आपका बिल्कुल सही है, ए आपका बिल्कुल सही, थोड़ा तो दिमाग लगाया करो बच्चा, 1948 से 1949 में हो जाएगा, एक साल के अंदर ही, कहते संविधान को लगभग 3 साल लगे। तो 44 का उत्तर ही आपका बिल्कुल सही है, मसौदा समिति ड्राफ्टिंग कमेटी। भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 दूसरी, ये हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित, ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित, टोटल 12 योजनाएं, 5-year plan, लास्ट जो आया 12वां 2012 से 2017, फिर पंचवर्षीय योजना बंद हो गई। असल में 1928 की बात है, स्टालिन करके एक व्यक्ति था, स्टालिन ने रूस में पंचवर्षीय योजना शुरू की है। इनकी कामयाबी को देखकर भारत में जवाहरलाल नेहरू ने भी सुझाव दिया कि भारत में भी पंचवर्षीय योजनाओं का गठन किया जाए। इसी क्रम में योजना आयोग का गठन होता है, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री, और प्रथम जो उपाध्यक्ष बनते हैं वो गुलजारी लाल नंदा बनते हैं। बाद में 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग खत्म हो गया और नीति आयोग ने इसका स्थान ले लिया। अब आ जाता है, तो हमने कहां से लिया, ये यूएसएसआर, जिसको सोवियत संघ भी कहते हैं, जिसको सोवियत संघ भी कहते हैं, भाई आयरलैंड से हमने डीपीएसपी का प्रावधान लिया, जो आरएस में राज्यसभा में 12 सदस्य होते हैं उनका भी हमने यहीं से लिया। राज्यसभा के सदस्यों डीपीएसपी, यूएसए से हमने स्वतंत्र न्यायपालिका फंडामेंटल राइट, दक्षिण अफ्रीका से हमने संशोधन लिया, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव का हमने साउथ अफ्रीका से। तो 45 का उत्तर डी, सोवियत संघ आपका बिल्कुल सही उत्तर है, मौलिक कर्तव्य भी हमने यहीं से लिए। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन, तो यह साथी बॉम्बे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था, बॉम्बे राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1 मई 1960 को, 1 मई 1960। देखिए कल हमने पढ़ा था 21 जनवरी 1972 कि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश
ये 21 जनवरी 1972 को यूटी बने, मेघालय ये राज्य बना असम से हटाकर, त्रिपुरा और मणिपुर ये यूटी से पूर्ण राज्य बने 1 दिसंबर 1963 नागालैंड अस्तित्व में आया। तो अच्छे से याद रखिएगा, महाराष्ट्र और गुजरात 1960 में इनका गठन किया गया बॉम्बे स्टेट पुनर्गठन अधिनियम से 1 मई 1960 को। 1 मई 1960 को मिलेंगे संदीप जी, नोट्स मिलेंगे अगर आप 27 तारीख को लॉन्च करूंगा, जो मेरी क्लासेस के नोट्स है, जो भी हम एग्जाम्पल की मिशन वर्दी में पढ़ा रहे हैं, खुद आपको अंदाजा लगा जाएगा कि लोग पागल है क्या, 6-6.5 घंटे इनको क्या चाहिए, इतनी लाइव क्लास दे रहे हैं, इतना ज्यादा ये लोग डीपीपी दे रहे हैं, हर टॉपिक को पढ़ा पढ़ाकर डीपली उस पर प्रीवियस ईयर जो पूछे गए बार बार रिवाइज करा रहे हैं, 80% क्लास में चीजें याद। कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, इनमें से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, ये 5 विषय थे जिन्हें 42वीं संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, जैसे वन्य जीवों का संरक्षण, वेट मेजर्स, इसी प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, इन सभी को राज्य सूची से निकालकर, साथी राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची के अंतर्गत लाया गया था। राज्य सूची से निकालकर इनको समवर्ती सूची के अंतर्गत लाया गया था। ये कुल मिला के अगर आप देखोगे तो ये जो आपके 5 विषय हैं, इनको 42वें संविधान संशोधन के जरिए राज्य सूची से निकालकर कॉन्क्यूरेंट लिस्ट या समवर्ती सूची में शामिल किए गए थे। 47 का ए आपका बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि से संबंधित वर्णन किया गया है कि संसद चाहे तो, और यह अधिकार किसको दिया गया, संसद, और याद रखिएगा संविधान संशोधन नहीं माना जाता, यह अधिकार संसद को है और यह संविधान संशोधन नहीं माना जाता, संविधान संशोधन नहीं माना जाता। अनुच्छेद 1 में तो भारत के राज्यों का, कि भारत राज्यों का संघ होगा और इसमें वो सभी शामिल होंगे जिनका वर्णन अनुसूची 1 में दिया गया है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 3 जो है, अनुच्छेद 2 में वो जो भारत किसी और देश से जो जमीन लेन देन होता है, जो भारतीय भारत के बाहर के क्षेत्र है, जैसे सिक्किम अनुच्छेद 2 के तहत भारत में शामिल हुआ था। अनुच्छेद 3 ये भारत के वर्तमान राज्यों से संबंधित है, उनके गठन, सीमा, 48 का उत्तर डी। भारत के संविधान में समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र कहां किया गया है, अनुच्छेद देता आप लोग सभी लोग उत्तर दे देते, लेकिन आपको अनुच्छेद याद तो है, अनुच्छेद 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी समान नागरिक संहिता की बात कही गई है। आप यह भी जानते हैं भाई जो अनुच्छेद 44 है, अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत आता है, यह सभी राज्य के नीति निदेशक तत्व होते हैं, अर्थात राज्य के लिए सलाहकारी, बाध्य नहीं है। और यह भाग 4 का विषय है, किसका विषय है, भाग 4, तो भी आपका बिल्कुल सही है, इनडायरेक्टली आप इसका उत्तर दे सकते थे। अनुच्छेद 44 भाग 4 समान नागरिक संहिता। राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में होने वाले विवाद में अंतिम फैसला लेने का अधिकार, यदि मान लेता हूं सुप्रीम कोर्ट के चुनाव से संबंधित कोई बात हो जाए तो यह फिर कहां जाता है, सुप्रीम नहीं राष्ट्रपति, मैं करूं सुप्रीम कोर्ट। प्रेसिडेंट इलेक्शन से संबंधित यदि कोई बात भी हो जाती है तो फिर कहां जाते, वो बताइए इसका इलेक्टोरल कॉलेज कौन कितना होता है, मतलब निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, निर्वाचक मंडल में
कौन कौन शामिल होते हैं, निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, याद रखिएगा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों की विधानसभा, निर्वाचित, केवल और केवल इलेक्टेड पर्सन, केवल और केवल इलेक्टेड पर्सन, केवल और केवल इलेक्टेड पर्सन। पूछा जो है आपसे, पूछा है कि भाई कौन इसके चुनाव के संबंध में फैसला लेगा, इनके चुनाव के संबंध में फैसला कौन लेगा। यदि कहीं पर यह आ जाता है कि भाई केवल लेजिस्लेटिव असेंबलीज, केवल लेजिस्लेटिव असेंबलीज, तो मेरे विचार में इसका जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट ही करेगा भाई। इलेक्शन कमीशन तो खुद चुनाव आयोग है, वो कैसे करेगा, लोकसभा प्रधानमंत्री का अधिकार नहीं है। 50 का उत्तर डी, याद रखिएगा, राज्यसभा लोकसभा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा लोकसभा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, भारत के वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट देश में प्रस्तुत किया जाता है। यह कहां पर प्रस्तुत किया जाता है और बजट का जो प्रावधान है वो कौन से अनुच्छेद में। मैं फिर से बता दूं कि साथी, जो हमारा मिशन वर्दी है उसकी आज लास्ट डेट है, मिशन वर्दी एसएससी जीडी स्पेशल, अभी आपके लिए केवल 799 रुपए का। इससे आप लेते हो तो आपको जो 27 तारीख को नोट्स लॉन्च करूंगा उसमें भी आपको 500 रुपए का फायदा मिलेगा। GD799 इसका कोड हो जाता है, ये क्या है, कूपन कोड। दो तीन चीजें इसकी बहुत जानकारी की चीजें हैं, 6-6.5 घंटे की इसकी फुल लाइव क्लास, कोई भी रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, फुल लाइव, ठीक है बच्चा। फुल टेस्ट सीरीज है इसमें, सोल्ड अनसोल्ड प्रीवियस ईयर और न्यू, प्रीवियस ईयर आपके 2021 के और साथ ही न्यू, ठीक है, नए पैटर्न पर 80-80 क्वेश्चन जो आ रहे हैं। इसके अलावा नोट्स, तीन प्रकार के नोट्स हैं, एक तो इसमें बोर्ड का पीडीएफ आप लोगों के लिए अवेलेबल है, बोर्ड पीडीएफ, और बहुत बढ़िया मतलब इसकी फीडबैक भी है, बहुत अच्छी फीडबैक, डेली प्रैक्टिस पेपर जो भी हम लोग करा रहे हैं, और सुपर नोट्स जिन्हें आप चाहे तो खुद प्रिंट आउट करा सकते हैं, चाहे तो हमसे खरीद सकते हैं, प्रिंट आउट महंगे मिलेंगे आपके लिए। 27 तारीख को 2000 पेजेस से के करीबन एक नोट्स भी लॉन्च कर रहा हूं, क्लास नोट्स जिनको कहते हैं, क्लास नोट्स, उसमें भी आपको बहुत ज्यादा फायदा देने की कोशिश रहेगी। उसे लाइव आ जाना, इसकी ज्यादा वो नहीं है, मतलब कमी छपवाए हैं, लेकिन नोट्स बहुत प्यारे हैं, तो आप जो नोट्स नहीं बना पा रहे उनकी टेंशन खत्म हो जाएगी। वीडियो देखे बिना समझ में नहीं आने का, वीडियो देख लोगे एक बार, नोट्स रिवाइज कर लोगे, हमेशा हमेशा के लिए दिमाग में रुक जाएगा। डीपीपी के द्वारा उसकी बार बार प्रैक्टिस करते रहना। इस क्वेश्चन का उत्तर आप होमवर्क में देना, आउट ऑफ 50 आपका स्कोर कितना आया ये भी कमेंट करके जरूर बताना। अभी 9 बजे मैथ्स की अभिनंदन सर की शुरू होगी, 10 बजे फिर मोहित सर की हिंदी, एसएससी जीडी स्पेशल आपसे जो ये सिकंदर क्लासेस है, और 11 बजे क्योंकि प्रीति मैम अवेलेबल नहीं है तो बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे जितिन सर, तो आप सभी लोग लाइव जरूर रहिएगा। फिर शाम को आपका अलग टाइम टेबल है, 6 बजे से 6, 7, 8, 9। फिर से एक बात मैं आपको कह रहा हूं, ताकत और दिमाग हमने साथ ही पूरा लगा दिया है, क्लास बहुत ही बढ़िया, बहुत ही रिसर्च के साथ अच्छा कंटेंट। सोचो इतनी रिसर्च करने पर भी एक अच्छी छूट जा रही है, तो तुम समझ सकते हो, तो बिल्कुल तैयार होके जाइए। नया पैटर्न है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा पेपर आएगा, अच्छा पेपर नहीं भी आए मुकाबला बहुत कठिन है क्योंकि 3 साल का जो ये एक एज रिलैक्सेशन मिला है तो पुराने बच्चे भी भरेंगे, जिससे कि मुकाबला और कठिन हो जाएगा। तो आप सभी लोग अभी एग्जाम पर ऑफिशियल ऐप जाइए, रात तक इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, 799 रुपीज का है, मिशन वर्दी एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर, यह आपको गूगल प्ले स्टोर पर एग्जाम पर ऑफिशियल ऐप मिल जाएगी, वहां से आपको लेना है, अन्यथा आप दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है भैया, तो कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसे लगी, स्कोर कैसा है, ये पहली सिकंदर, कल इसमें और चीजें जुड़ेंगी, और चीजें, ये संपूर्ण रहेगा, इकोनॉमिक्स से लेकर पॉलिटी से लेकर ज्योग्राफी से लेकर हिस्ट्री से लेकर जनरल अवेयरनेस,
स्ट्रेटेजी के, सब कुछ इसमें शामिल होगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।